तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो मैं आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ वो है, उस पर बात कर लेते हैं, वो है रतन जोत के ऊपर। तो रतन जोत आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा, तो ये देख लीजिए आप कैसा होता है रतन जोत, कैसी होती है। हाँ, बहुत ही अच्छी होती है। बालों में रतन जोत तेल जो लगाते हैं उसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। उससे बालों इसके इस्तेमाल से बालों मजबूती आती है, बालों का टूटना झड़ना बंद होता है, साथ ही बालों में नमी और पोषण मिलता है जिससे बाल रेशमी मुलायम बनते हैं और बालों से रूखापन ड्राइनेस रूसी दूर होती है, नए बाल उगने लगते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बताया, और साथ ही इसको बनाने का जो तरीका है, इसको कैसे लगाना है, कैसे बनाना है, वो भी हम वीडियो में आगे देखते हैं। तो अगर वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बहुत से लोगों में शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए आप, मैंने रतन जोत को जो है पाउडर फॉर्म में लेने के लिए ग्राइंडर जार में डाल दिया है। ये मैं किराना स्टोर से लेकर आई थी, पंसारी की शॉप पर रतन जोत आराम से इजीली मिल जाता है, तो मैं लेकर आई थी इसको। तो आप 50 रुपये का कुछ समथिंग मिला था मुझे ये, है ना। तो आप इसको ला सकते हैं और इसको बहुत टाइम तक अप्लाई कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं 50 रुपये वाले कोई। तो मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इसका पाउडर फॉर्म में ले लिया है। तो रतन जोत जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे बालों के लिए बेनिफिशियल, और इसमें एक अलग तरह का रेडिश सा कलर होता है, मैं आगे वीडियो में बताऊँगी आपको। तो इसके अंदर एक रेडिश सा कलर होता है जो कि बहुत ही अलग सा ही कलर होता है उसका। तो इस प्रकार से देखते हैं, ये पाउडर फॉर्म में हमने कर लिया है, ये देखिए आप, पाउडर मैंने इसका बना लिया है। अब आगे जो प्रोसेस है उसे देखते हैं। सब्जियों का रंग रोगन बढ़ाने के लिए तो रतन जोत का उपयोग आपने देखा ही होगा, लेकिन आज हम जो ऑयल बना रहे हैं, ये रतन जोत का पाउडर जो है बन के तैयार हो गया है। देखिए इस प्रकार का पाउडर, ज़्यादा महीम नहीं करना है इसे ज़्यादा महीम होता भी नहीं है ये। तो देखिए इस प्रकार से पाउडर बना लिया है मैंने। तो सब्जियों रंग रोगन बढ़ाने के लिए सब्जियों में तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ ही बालों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए भी रतन जोत का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अपन आज वीडियो में करेंगे। तो मैंने एक ग्लास जार में ले लिया है इस पाउडर को, और ग्लास जार में लेने के बाद अपन एक इसमें जो है बालों की जो मतलब ये मैंने ले लिया है। अब नेक्स्ट मैं ऑयल लूँगी, आप इसमें सरसों का तेल भी ले सकते हैं और लोहे की कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इजी गोइंग जो प्रोसेस है वो की है। तो ये मैं ले रही हूँ फिगारो का जैतून का तेल, ओलिव ऑयल। तो आप सरसों का भी ले सकते हैं, मैंने जैसे कि बताया लोहे की कढ़ाई में, तो उससे और ज़्यादा इन्हेंस इसका कलर होता है, लेकिन मेरे पास अभी लोहे की कढ़ाई अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसे कांच के जार में ही बनाया है। तो अपन ले लेते हैं ओलिव ऑयल। तो ओलिव ऑयल भी आप सभी जानते हैं बालों के लिए कितना हेल्दी होता है, कितना अच्छा होता है बालों के लिए, और कोई ना कोई तेल तो हमें अप्लाई करना ही होता है, तो हम चाहें तो हम इसे भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे हमारे बालों में जो स्कैल्प मॉइस्चर है मेंटेन रहेगा, ब्लड सर्कुल बढ़ाने में का काम करेगा। और लेकिन घर पे बने रतन जोत तेल से बालों में मसाज करके आप ना सिर्फ बालों को नमी बरकरार रख सकते हैं, बल्कि बालों से जुड़ी परेशानियां को भी गुड बाय भी बोल सकते हैं, ठीक है, टाटा बाय बाय बोल सकते हैं आप बहुत सारी परेशानियों से। तो बालों को हेल्दी बनाने के लिए लोग अलग अलग हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, हेयर ऑयल भी इनमें से एक है। आमतौर पर ऑयली स्कैल्प और मॉइस्चराइजर मेंटेन करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें बालों में अप्लाई करते हैं, तो इस प्रकार से हमें इसको बनाना चाहिए और लगाना ज़रूर चाहिए, इससे बहुत सारे हमारे जो हेयर बेनिफिट्स मिलते हैं। बालों को हेल्दी बनाने के लिए कई सारे घरेलू नुस्खे भी हम ट्राई करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी बालों को रतन जोत का इस्तेमाल करने के बारे में सुना ही होगा? जी हाँ, रतन जोत सब्जियों का रंग निकालने, मैंने बताया जिस प्रकार से काम आता है, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रतन जोत बालों को हेल्दी बनाने का भी कारगर नुस्खा है, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी कारगर नुस्खा है। हाँ जी, आपने सही सुना, रतन जोत का तेल ट्राई करके आप बालों को कई सारी समस्याओं को चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑयल ले लिया है, ये देखिए, इसको मैं 5 से 7 दिन तक धूप में रखूंगी इसको, जिससे इसकी गुडनेस मिलेगी। और हाँ, मैं एक जो क्लिप थी वो मेरे से डिलीट हो गई है, तो इसके अंदर मैंने कैस्टर ऑयल भी मिलाया है, उसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट दुगने हो जाते हैं। तो कैस्टर ऑयल भी मिलाया है, इसको आप धूप में भी रख सकते हैं, या फिर आप देखेंगे डबल बॉयलर मेथड की सहायता से भी हम इसे बना सकते हैं। तो बालों में ऑयलिंग करना हेयर कलर की आम रूटीन में से एक है। ऑयलिंग के लिए कुछ लोग जो मार्केट बेस्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, वहीं कई लोग घर पर बने हेयर ऑयल का भी बालों को ऑयलिंग करते हैं। इसी कड़ी में होममेड रतन जोत तेल भी आसानी से ये तैयार हम कर सकते हैं, जैसा कि अपन कर रहे हैं,
है ना। तो आपको इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स करना है। रतनजोत तेल को बनाने के लिए ये मैंने तेल और रतनजोत को मिक्स कर लिया है और इसे मैं धूप में रख सकती हूँ। 5 से 7 दिन के लिए आपको धूप में रखना है और ये बन के तैयार हो जाएगा आपका ऑयल। और आपको अच्छे से मसाज करनी है और मसाज करके आपको किसी माइल्ड शैम्पू से वीक में 3 बार आप इस ऑयल की मसाज करें, जिससे आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। और कंसिस्टेंसली बना के रखें, कंटिन्यूसली 3 बार आप इसे इस्तेमाल करना है, मतलब करना ही है। जो भी आपके हेयर वॉश डे है, जैसे कि आप गुरुवार को नहीं धोते होंगे, शुक्रवार और सोमवार, है ना, और आप शनिवार को या फिर रविवार को भी सर धो सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। हर धर्म में अलग अलग तरीके से होता है। नियमित रूप से बालों पर रतनजोत तेल लगाने से बालों को मॉइस्चर मेंटेन रखने में मदद मिलती है। साथ ही रतनजोत का तेल इस्तेमाल करके हेयर फॉल, डैंड्रफ जैसी परेशानियों से चुटकियों में छुटकारा पा सकते हैं अपन। रतनजोत ऑयल से स्कैल्प की मसाज करने पर बाल जड़ से मजबूत होने लगते हैं। रतनजोत तेल का हेयर केयर में शामिल करके आप आसानी से बालों को लंबा, घना, मुलायम और चमत्कार बना सकते हैं। ये मैंने इसे एयरटाइट में पैक कर दिया है, एयरटाइट कंटेनर में। आपको भी ऐसे ही करना है, कांच के कंटेनर में ही इसे रखना चाहिए। रतनजोत एक ऐसी प्राकृतिक हर्ब है जो आपके बालों को प्राकृतिक रूप से काला और घना लंबा बनाती है, आपकी त्वचा में भी ग्लो लाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रतनजोत होती है। ये देखिए, मैं डबल बॉयलर मेथड की मदद से इसे प्री हीट कर रही हूँ, हीट कर दे रही हूँ, जिससे इसकी गुडनेस इस ऑयल में आ जाए। रतनजोत का उपयोग सौंदर्य और सेहत दोनों के लिए किया जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में भी इसका उपयोग होता है, कई तरह की आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं, बहुत झड़ रहे हैं, आपके बालों के सफ़ेद होने की गति बढ़ रही है, तो आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया इसका उपयोग करना है, तो इस बारे में ज़रूर आपको गूगल भी करना चाहिए। रतनजोत ऑयल बनाने के लिए आपको रतनजोत के अलावा सरसों के तेल की भी ज़रूरत होती है, जैतून के तेल की भी, और आप कर सकते हैं इसको यूज़। चाहे तो इस तेल को आप हफ्ते में 3 बार लगा सकते हैं। देखिए, मैंने इसमें जो कैस्टर ऑयल भी मिलाया था वो भी इसके अंदर ही है, और अच्छे से हिलाते हुए, मिक्स करते हुए आप इसे बना सकती हैं। तेज आंच में इसे नहीं बनाना है और डायरेक्ट हीट पे। देखिए, इसका कलर चेंज होकर रेड हो गया है, तो फिर हमारे बालों का कलर कैसे ये नहीं बदलेगा, कैसे हमारे बालों को बेनिफिट नहीं देगा? देगा, ये बहुत अच्छे बेनिफिट देगा। तैयार तेल को, ऑयल को शैम्पू करने के 1 दिन पहले बालों में लगाएं। रात को इस तेल की मालिश करके सो जाएं और सुबह उठकर शैम्पू कर सकते हैं। आपने जो तेल तैयार किया है वह लाल रंग का होता है, देख पा रहे हैं आप, क्योंकि रतनजोत का तेल में पकाने पर यह लाल रंग छोड़ देता है। पकाने के बाद रतनजोत के सारे गुण इस ऑयल में आ जाते हैं, और जब आप इसे सिर पर मालिश करते हैं तो आपके बाल काले होते जाते हैं धीरे धीरे। कंसिस्टेंसी आप देखेंगे, अगर आपने 2 महीने भी इसे यूज़ किया तो भी आपके बालों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा। आप चाहे तो जितने भी तेल अपने बालों में क्यों ना उपयोग कर रहे हो, लेकिन आज के समय में शुद्ध तेल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये तेल आपके बालों को मोटा, घना बनाने में मदद करेगा। जब आप इसे इस्तेमाल रतनजोत को पक्का कर लेती हैं, तो आपको बालों को 2 गुनी तेजी से लाभ पहुंचाने लगता है, और इसे लगाने से बालों में कालापन आता है, तेजी से नए बाल आने लगते हैं। अगर आपको हर दिन शैम्पू करना पसंद है, या फिर आप हर दूसरे दिन शैम्पू करती हैं, तो आपको रतनजोत मिक्स करके सरसों के तेल का उपयोग करना ज़रूरी है, क्योंकि यह हर दिन शैम्पू करने वालों के लिए नेचुरल ऑयल निकल जाता है। उसी प्रकार से हम इस ऑयल को ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे बालों की जड़ें रूखी, सूखी, कमज़ोर हो जाती हैं शैम्पू की वजह से, तो साथ ही सिर की त्वचा में जो है मॉइस्चर प्रदान करता है, और इनकी वजह से जो तेजी से गिरने लगते हैं बाल, बहुत सारे केमिकल की वजह से। तो रतनजोत ऑयल लगाने से आपकी ये वाली समस्या भी दूर हो जाती है। रतनजोत एक खास एंटीसेप्टिक होता है, इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके सिर की त्वचा को शांत और नमीयुक्त बनाए रखते हैं। इससे आपके सिर पर नए बाल आने की प्रक्रिया तेजी से शुरू होती है। रतनजोत एक नेचुरल हेयर कलर से भरपूर माना जाता है। इसका कारण यह है कि बालों में लगाने से आपके बाल काले और घने रहते हैं, और जब जैतून के तेल के साथ इसे पकाकर लगाती हैं तो आपके बाल मोटे भी हो जाते हैं। हम किसी सुनी और पढ़ी बातों पर बात से आपको ये तेल उपयोग करने का सुझाव नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस तेल के रिजल्ट हम खुद मैंने मेरे ऊपर भी इस्तेमाल किया है। इसलिए अगर आपके बाल बहुत कमजोर और पतले हैं, तो हम आपको इस तेल ट्राई करने के लिए जरूर कहेंगे।
आप हर रोज रात में सोने से पहले इस तेल का इस्तेमाल अच्छे से मसाज कर सकती है, अगली सुबह आप शैम्पू से वॉश कर सकती है। ये नुस्खा इतना प्रभावी है कि 2 महीने के अंदर आपको मनचाहा रिजल्ट मिलेगा, जरूर से मिलेगा। तो देखिए ये हीट हो चुका है ऑयल और ये बन के हमारा तैयार हो गया। अगर आप धूप में रखना चाहती हैं तो 5 से 7 दिन आप इसे धूप में रखें, और अगर इस तरह से करना चाहती हैं तो आप ऐसे भी कर सकती हैं। वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लग रही है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उससे मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए एकदम तैयार रहती हूँ। अगर आपका लाइक नहीं मिलता है तो मुझे भी थोड़ा सा डीमोटिवेट मैं हो जाती हूँ। बहुत बार मैं डीमोटिवेट हुई हूँ, लेकिन मैं जैसे एक इंसान, ये मैंने लगा के तैयार कर लिया है, ऑयल को अच्छे से मसाज कर ली है और मैं इसे ओवर नाइट रखूंगी। ये देखिए आप, अच्छे से मैंने लगा लिया, मसाज करते हुए लगाया है मैंने, अंदर तक जड़ों में पेनिट्रेट करते हुए मैंने इसे ऑयल को लगाया है, है ना। तो आप भी इसी प्रकार से इसे लगाएं। तो मैं बता रही थी कि मैं बहुत बार डीमोटिवेट भी हो जाती हूँ, लेकिन फिर जैसे कि मन में ख्याल आता है कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है, तो उसी प्रकार से मैं इसे वापस से दोहराना लग जाती हूँ और करने लग जाती हूँ। ये देखिए मेरा जो हेयर वॉश के बाद का रिजल्ट है, मैंने अभी कॉम्ब भी नहीं किया है, तो देखिए बालों में कालापन आना स्टार्ट हो गया है और पहली बार में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं इसके। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे अपने आपके जो फीडबैक है, आप अपने सुझाव, आपकी राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकती हैं। ये देखिए आप, फिर मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।